मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, विधायक रायपुर उत्तर कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा, नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिलासपुर, बालोद और नारायणपुर की सखी वन स्टॉप सेंटर को सम्मानित किया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए नवाबिहान योजना की महिला संरक्षण अधिकारियों, पर्यवेक्षकों को भी सम्मानित किया। साथ ही सीएम बघेल ने महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों के लिए 3% ब्याज की दर पर 4 लाख रुपये की ऋण राशि के चेक वितरित किए। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री सर बघेल की घोषणा पर अमल करते हुए महिला स्व सहायता समूहों को 4 लाख तक की ऋण राशि का वितरण समूहों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया गया। महिला दिवस के अवसर पर महिला मड़ाई का आयोजन महिला बाल विकास विभाग के द्वारा पहले स्कूटी रैली महिलाओं ने निकाला था, उसके बाद 27 तारीख से अब तक के लगातार स्टॉल का भी लगाया गया। महिलाओं के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको यहाँ मड़ई मेला में लगाया गया है, जिससे काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है। तो मैं महिलाओं को महिला दिवस के पूर्व ही उन सबको बधाई देता हूँ। शासन की ओर से अनेक योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण करने के लिए कदम उठाए हैं, तो उसका लाभ भरपूर उठाएं और महिला सशक्त होगा तो समाज मजबूत होगा। सर, आपने ट्वीट करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें छत्तीसगढ़ में लगातार बेरोजगारी दर कम हो रही है, लेकिन बाहर में करोड़ों रुपए जो भाजपा शासित राज्यों में करोड़ों रुपए विधायकों के घर से मिल रहा है, कैसे देखते? अभी ईडी को तो वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ केवल परेशान करने के लिए उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसी का, और इसीलिए कह रहे हैं कि एक अभी लोकायुक्त ने छापा डाला तो 7 करोड़ से अधिक की राशि मिली एक विधायक के घर। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये ईडी वाले क्यों नहीं जाते, क्यों छापा नहीं डालते, क्यों कार्रवाई नहीं करते? ये शासकीय मतलब ये तो स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, उसके वो लोग भी यदि दुराग्रह पूर्वक यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होगी। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।